नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के आधे दर्जन जिले बाढ़ की चपेट में, 5 लाख लोग प्रभावित। सहरसा से कई गांवों में घुसा पानी, मुख्यालय से टूटा संपर्क। सीतामढ़ी का सुरसन इलाका डूबा, जुगाड़ की नाव पर सवारी करने पर मजबूर लोग। शिवहर का थाना पानी पानी, अस्पताल में भी घुसा पानी। समस्तीपुर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर, 200 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। दरभंगा में टापू बने दर्जनों गांव, डीएम ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। रक्सौल में सिरसवा नदी उफान पर, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। कई दिनों की भारी बारिश ने गुवाहाटी को किया बेहाल, लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। असम के गोलाघाट में खतरे के निशान से ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी, लाखों लोग हुए विस्थापित। असम के चिराग में पूरी तरह से डूबे निचले इलाके, नदियों के उफान ने मचाया कोहराम। असम के काजीरंगा में बाढ़ से भारी नुकसान, अब तक 113 जानवरों की मौत की रिपोर्ट। महाराजगंज में बाढ़ के पानी में डूबा गांव, शमशान जलमग्न होने से अंतिम संस्कार में हुई मुश्किल। यमुनानगर में यमुना नहर में बहे दो बच्चे, एक बच्चे का शव बरामद। बारिश के पानी में ग्वालियर में भी हादसा, हरसी नहर में बही 4 बच्चियां और 2 महिलाएं। मुक्सर के कई ब्लॉक्स में बारिश के पानी भर जाने की वजह से लोगों में परेशानी, दिक्कतें जानने किसानों के बीच पहुंचे विधायक। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा राजस्थान का घमासान, हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी की अर्जी पर आज सुनवाई। स्पीकर की याचिका पर जवाब में पायलट गुट भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर की वकीलों की नई रणनीति, पायलट गुट की अर्जी खारिज करने की कर सकते हैं मांग। हाईकोर्ट ने स्पीकर को दिया है 24 जुलाई तक नोटिस पर फैसला नहीं करने का निर्देश। स्पीकर ने बताया संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप। गहलोत का गुट का विधायक पृथ्वीराज मीना पहुंचे हाईकोर्ट, पायलट गुट की अर्जी में केंद्र सरकार को पक्ष बनाने की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के जोधपुर के ठिकानों पर ईडी की छापामारी, उर्वरक घोटाले के सिलसिले में जांच। उर्वरक घोटाला मामले में धौलपुर में भी ईडी का छापा, 3 कारोबारियों के घर और गोदाम सील। गहलोत के भाई के कोलकाता के ठिकानों पर भी पहुंची ईडी की टीम, दिल्ली और गुजरात में भी छापामारी। ईडी की छापामारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा धमकाने के लिए किया जा रहा है एजेंसियों का इस्तेमाल। करोड़ों का लालच देने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस एमएलए गिरिराज मलिंगा को सचिन पायलट ने भेजा कानूनी नोटिस, माफी और हर्जाने की मांग। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने किया भोपाल में लॉकडाउन का विरोध, कहा बकरीद और राखी के त्योहार में बंदी है हिटलर शाही। लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं और दिन का करता हूँ। इसके कोरोना से बीमार अमिताभ बच्चन का अस्पताल से नया ट्वीट, देर रात उलझनों और खामोशी का किया जिक्र। अस्पताल से बिग बी ने लिखा, खामोशी की तह में छुपा लो उलझनों को, शोर कभी मुश्किलों को कम नहीं करता। देश में 12 लाख के करीब पहुंचे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 38,000 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 648 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 28,732 लोगों की मौत। देश भर में 7.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ, रिकवरी रेट पहुंचा 63% से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 10,576 नए मामले, 3,37,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में कोरोना केस 1,04,000 के पार, 24 घंटे में 1,300 नए मामले, मरने वालों का आंकड़ा 5,875। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,227 मामले, कुल आंकड़ा 1,25,000 के पार। दिल्ली में ज्यादा तादाद में ठीक हो रहे मरीज, रिकवरी रेट बढ़कर 85% हुआ, एक्टिव केसेस 15,000। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतीन जैन ने फिर दोहराई कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड की बात, सीरो सर्वे का दिया हवाला। तमिलनाडु में कोरोना केस में फिर उछाल, एक दिन में 5,849 नए मामले, 24 घंटे में 74 मौतें, कुल केस 1,86,000। कर्नाटक में भी बड़ा खतरा, एक दिन में 4,700 नए मामले, 55 नई मौतें, सिर्फ बेंगलुरु में एक दिन में 2,000 केस।
पटना में लॉकडाउन के दौरान दिखी लापरवाही, सब्जी मंडी इलाके में उमड़ी भीड़। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 5 दिन का लॉकडाउन, कई दूसरे इलाकों में बढ़ाई गई पाबंदी। नागपुर में पुलिस ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान, प्रभावित इलाकों का साइकिल से दौरा। मुंबई से सटे पालघर में जमा हुई सैकड़ों की भीड़, लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत के लिए प्रदर्शन। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, सासाराम में डीएम ऑफिस के 52 कर्मचारियों में संक्रमण। किशनगंज में इलाज के इंतजार में अस्पताल में महिला की मौत, कोरोना संदिग्ध समझकर डॉक्टरों ने नहीं किया था इलाज। झारखंड में मास्क पहनना होगा जरूरी, अध्यादेश के जरिए सरकार ने लागू किया है फैसला। कोरोना पीड़ित महिला बिना बताए पुणे से चली गई दुबई, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कोरोना के खतरे के बीच हिमाचल सचिवालय का सैनिटाइजेशन, कई केस आने के बाद किया गया दवाओं का छिड़काव। नांदेड़ में कोरोना काल में भूखों मरने को मजबूर भिखारी, प्रशासन की सख्ती पर बोले खाना तक नहीं कहां से लाए मास्क। सामने आया अयोध्या में राम मंदिर का नया नक्शा, पहले की अपेक्षा करीब दोगुना बड़ा होगा मंदिर। नए नक्शे में प्रार्थना के लिए मंडप का इंतजाम, एक बार में बैठ सकते हैं करीब 50,000 श्रद्धालु। सूत्रों के हवाले से खबर, भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे चांदी की ईंट, 5 अगस्त को दोपहर 12:15 पर निकाला गया है शुभ मुहूर्त। 1985 में बना मंदिर का पहला डिजाइन, भक्तों की मौजूदा तादाद के मद्देनजर किए गए हैं बदलाव। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले गृह मंत्री अमित शाह, सूत्रों के हवाले से खबर, 30 मिनट की मुलाकात में बाबरी केस में पेशी को लेकर चर्चा। विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी पर एक और FIR, गाड़ियों पर विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगाने का आरोप। काकेदेव थाने में रखी है सील गाड़ियां, विधानसभा के फर्जी स्टिकर लगे होने की खबर मीडिया में छपने के बाद एक्शन। विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी जांच कमेटी, रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान होंगे अध्यक्ष, 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। गैंगस्टर विकास दुबे केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, यूपी सरकार के एनकाउंटर बताने पर जताई नाराजगी। यूपी में बकरीद में खुले पर कुर्बानी देने पर होगी पाबंदी, योगी सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या को लेकर सुलगी सियासत, राहुल गांधी बोले वायदा था राम राज्य का, दे दिया गुंडा राज। प्रियंका गांधी ने भी योगी सरकार को घेरा, कहा पिछली सरकारों की तरह अपराध के मुद्दे पर फेल है बीजेपी सरकार। कांग्रेस की बात पर बीजेपी का पलटवार, सिद्धार्थनाथ सिंह बोले उन्हीं की सरकार में खोदे गए थे गड्ढे। ये जो गड्ढा खोदा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछले 25 साल में अनेक सरकारें आई हैं, वो गड्ढा कोई आसान गड्ढा इन लोगों ने खोद के गए। मायावती ने भी योगी सरकार पर किया हमला, बोली कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज, क्राइम का वायरस कोरोना से ज्यादा हावी। अलीगढ़ में इंसाफ के लिए पीड़ित को खाट पर लेकर SSP दफ्तर पहुंचे लोग, पौधा लगाने को लेकर विवाद में चली गोली में हुआ घायल। मोगा में मनी चेंजर को अगवा करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, चंद घंटों में पुलिस ने सुलझाई वारदात। प्रतापगढ़ में खाद बीज कारोबारी के ठिकानों पर ईडी के छापे, खाद घोटाले से जुड़े मामलों में एक्शन। देवरिया में पति से कहा सुनी के बाद चली गोली, फरार होने से रोकने पर एक युवक का किया कत्ल, फिर खुद को मारी गोली। अमेठी की महिला ने लखनऊ में खुद को लगाई आग, पड़ोसी से विवाद के बाद राजभवन के सामने किया था आत्मदाह। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 7 साल की मासूम लापता, नाराज गांव वालों ने किया NH-12 को जाम। जमीन नापने पहुंचे सरकारी लेखपाल के सामने भिड़े 2 पक्ष, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला। सुकमा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, मुखबिर की खबर के बाद जंगलों से पकड़ा गया। चमोली में नाबालिग से रेप के 2 लोग गिरफ्तार, 1 साल से कर रहे थे दुष्कर्म। बरहमपुर में कुएं से बचाया गया 12 फुट का कोबरा, फॉरेस्ट महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। छिंदवाड़ा में तस्कर से टाइगर की खाल बरामद, बेचने की फिराक में था लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गाजियाबाद में लापता बिल्डर का 27 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं, लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बाहुबली तीक अहमद पर शिकंजा कसा, संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू, पुलिस ने खोली हिस्ट्री। अमरोहा में शादी के 3 दिन बाद गहनों के साथ दुल्हन फरार, पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली में पता पूछने के बहाने केबल ऑपरेटर से 3 लाख की लूट, वारदात CCTV में रिकॉर्ड। झारखंड में बदलेगा सरकार का लोगो, कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 अगस्त से लागू होगा नया लोगो। नागौर में भीषण हादसा, कार और कंटेनर के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत।
लद्दाख में शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को सरकार ने बनाया डिप्टी कलेक्टर, सीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। दौसा में किसानों को बारिश का इंतजार, इंद्रदेव को मनाने के लिए एक किसान ने छोड़ा अन्न और पानी। देहरादून में कुंभ से जुड़े कामों की समीक्षा के लिए बैठक में नहीं आए अफसर, नाराज मंत्री ने रद्द की बैठक। भारत की आधी ऑनलाइन ग्रोसरी सेल्स पर होगा आरआईएल का कब्जा, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा। आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम के नियमों को 31 दिसंबर तक बढ़ाया, पहले 31 जुलाई तक की तारीख। कोल आधारित पावर प्लांट्स में एनजीटी तकनीक के इस्तेमाल में देरी पर एनजीटी सख्त, सीबीसीबी को किया ट्रांसफर, प्रदूषण घटाने के लिए होता इस्तेमाल। पाइपा ने कृषि सुधारों के लिए सरकार को किया धन्यवाद, कहा सुधारों को बेहतर ढंग से लागू करने पर ही होगा किसानों को फायदा। ब्रिटिश एयरवेज ने क्वीन ऑफ द स्काई कहे जाने वाले बोइंग 747 को किया रिटायर, पैसेंजर्स की कमी और मेंटेनेंस के ज्यादा खर्च की वजह से विदाई। पुणे के रेड लाइट एरिया में एक भी कोरोना केस नहीं, पुलिस और सामाजिक संस्थाएं कर रही मदद। यूपी बोर्ड ने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक का सिलेबस घटाया, किताबों से कांग्रेस का इतिहास हटाया गया। लखनऊ में तेज रफ्तार दो कारों की टक्कर, दो लोगों की मौके पर मौत। गोपालगंज के अस्पताल में ठेके के कर्मचारियों को की हड़ताल, कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव लेकिन टेस्ट नहीं होने से कर्मचारी है नाराज। उधम सिंह नगर में शहीद देव बहादुर का अंतिम संस्कार, लद्दाख में हुई थी शहादत। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन का वाणिज्य दूतावास बंद किया, चीन ने बताया अभूतपूर्व कदम, बदले की कार्रवाई के दिए संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना के खतरे के बाद भी स्कूल खोलने के हक में, बोले मुझे अपने बेटे और पोते पोतियों को स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका में कैलिफोर्निया बना कोरोना का नया एपिसेंटर, 4,14,000 कोरोना केस के साथ न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ा। नस्लभेद के खिलाफ पोर्टलैंड में विरोध और तेज झड़पों के बाद फेडरल कोर्ट हाउस की सुरक्षा में किया गया इजाफा। ग्रीस के जंगलों में आग और भड़की, पास के रिहायशी इलाके कराए गए खाली। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।